हेलो हाँ कैफी बोल रहे हैं 24 टीवी जंक्शन से, केसरिया थाना प्रभारी बोल रहे हैं क्या? कह रहे थे कि एक मामला हुई थी दिलावरपुर में, क्या कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अब तक की? नहीं हुई चार दिन मामला का हो गया लगातार जो है। अच्छा पानी से थी। अच्छा चलिए ठीक है भाई, जानकारी लेना था। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये केसरिया थाना प्रभारी थे, अभी भी इनका पुलिस मार्केट में निकला हुआ है। किस लिए? अभिषेक के जो कातिल है उसे पकड़ने के लिए। अब भाई लोग ये लोग अभी थाना पर से आए हैं, इनके पिताजी आए थे ना अभी, आप लोग गए थे ना थाना पर, क्या मामला हुआ, क्या बात हुई? बात हुई कि जो हम लोग लगे हुए हैं गिरफ्तारी करने के लिए, जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। अच्छा क्या कहिएगा इस पर, चार दिन हो गया तो अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो प्रशासन का हम लोग को उम्मीद है कि काम धीरे कर रही है। अच्छा जी, मतलब आप लोग डेली दौड़ते हैं थाना पे? नहीं डेली नहीं, आज हम लोग गए थे थाने पे। हाँ। कल तक तो हम लोग उस कार्यक्रम में लगे हुए थे अभिषेक के। अच्छा। जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आप लोग को हम बताएंगे। अच्छा देखिए, आज चार दिन हो गया मामले का, चार दिन में एक दो लड़का जो बेरहमी तरीके से अभिषेक के मतलब घर में बंद करके सबसे पहले तो पिटाई करा, पिटाई के बाद धारदार हथियार से वार किया और उसे कहाँ ठिकाना लगाया, तो आप लोगों को बताया गया था कि केसरिया थाना के ही एक बॉर्डर आता है वहाँ पे बरामद हुई थी। और अब तक चार दिनों में एक लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं, ये बिहार के प्रशासनिक सेवा पे कहीं ना कहीं उठता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये अभिषेक का घर है। हाँ क्या करे, तो हत्यारा का पता चल गया हुआ है कि ये कौन हत्यारा है। हाँ। फिर भी प्रशासन कुछ ये पता चला है कहाँ छिपा हुआ, तो भागा होगा, छिपा हुआ है ये पता नहीं चला है, लेकिन प्रशासन को तो पता चल गया है ना कि हत्यारा कौन है। हाँ, हाँ। नाम भी पता चल गया है कहाँ का है, तो अब तो आगे काम तो उनका ही है ना, प्रशासन का ही काम है ना, उसको पकड़ना। पता नाम पता नहीं रहता कि हत्यारा कौन है तो पकड़ने में टाइम लगता, तो चलिए भाई टाइम लग रहा है, लेकिन अब पता है कि जहाँ हत्या किसने किया है। फिर भी प्रशासन, अभी तक चार दिन हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट। एक सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग वहाँ पे गए थे घटनास्थल पे जी, तो वहाँ जो है उनके घर पे गए थे, लड़की के घर पे, जो लड़की यहाँ पे आके बैठी हुई है अभिषेक की याद में, बता रहे थे वहाँ के लोग कि वो गलत लड़की है, इससे पूर्व में भी कई ऐसे लड़के के साथ लगातार बातचीत होता है, तो फिर ऐसे लोगों को आप घर में रखे हुए हैं? हम लोग घर में रखे हुए तो नहीं, लड़की हत्या होने के बाद में लड़की यहाँ पर आई। हाँ। और लड़की ही बताई कि ये अभिषेक का जो हत्या हुआ है वो मेरा भाई किया है। अच्छा, तो हमको एक साक्ष के रूप में आई हुई है लड़की। हाँ। इसलिए हम लोग उनको, लड़की तो कह रही थी कि हम बेटा बन के रहेंगे यहाँ पे, अभिषेक का जगह ले लेंगे। अभी तो हम लोग आगे हम लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या करना है। हाँ। अभी तो हमको प्रशासन से आप लोग से कहना है कि ये हत्यारा का जल्द से जल्द पकड़े, उनको सजा दिलवाया जाए, यही आपसे आप लोग से अनुरोध है। ठीक है, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक और सवाल है, आप बाइट भी नहीं दिलवा रही हैं, मतलब लड़की से बोले बेहोश वगैरह है जी, क्या कारण है, क्यों नहीं, मतलब हम लोग से बातचीत नहीं करने दे रहे हैं? बातचीत करने दे, आप लोग जाके देख सकते हैं कि उसका क्या स्थिति है। अच्छा। अगर स्टेटमेंट देने के कंडीशन में है तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मतलब स्टेटमेंट देने के कंडीशन में आप लोगों का आंसर नहीं है? जी नहीं। हाँ? जी। क्योंकि लगातार दूर दूर से लगाया फिट है। उसको फिट आ जा रहा है। अच्छा, दांत लग जा रहा है जी, मतलब अनुष्का को दांत लग जा रहा है जी। अच्छा, आप लोग अपने स्तर से कभी जांच पड़ताल किए हैं कि आपका जो लड़का था जी वो क्यों जाता था वहाँ पर? लड़का यहाँ पर रहता ही नहीं था, वो तो फिर एग्जाम देने के लिए आया। उस लड़का जो हत्या किया वो उसका दोस्त था। अच्छा, हम लोग तो हम उसके मामा हुए, हम लोग तो वहाँ मुजफ्फरपुर रहते थे। अच्छा, तो आप आए यहाँ पे तो पता नहीं किए कि क्या मतलब किसी के घर में चले जाना? हम लोग तो अभी तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं, हम लोग तो अभी पता नहीं किए हैं कि हाँ। एक और भाई है, कहाँ गए? देखिए इनसे भी पूछ लेते हैं, लेकिन लगातार लोगों का कमेंट है, बताइए आप बता रहे थे सारा मुद्दा को। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले इस चीज़ को नहीं देखा कि मेरा भाई वहाँ जा रहा है, मेरा भतीजा वहाँ जा रहा है, किसी के घर में चला जा रहा है? अब तो हम घर पे रहते नहीं हैं, ड्यूटी करते हैं। हाँ,
तो घर पे तो हम रहते तो हमने पता हाँ, उनके बता रहे थे कि वो दिल्ली वगैरह रहता था। वो लड़का दिल्ली रहता था, लड़का हाँ, तो दिल्ली रहता था हाँ, हाँ, एग्जाम देने आया था हाँ, तो हमको लगा, हम लोग लगा एग्जाम देने जा रहा है, चाहे दोस्त है हाँ, उसका भाई सुनते है कि दोस्त है, जोरे घूमता था तो दोस्त से घर आता जाता है। लड़की तो बता रही थी कि कई बार जो अभिषेक है मेरे घर में आता था। तो अभी लड़की ना बताती थी, लड़की ना बता रही कि आता था, और हम तो नहीं बता रहे हैं कि आता था, हम तो देखने नहीं जा रहे थे कब तो जा रहे हैं। तो मीडिया का सवाल था जो मिलना चाह रहे थे कि अनुष्का से मिले तो वह सवाल पूछेगी क्या मामला था। एस्टिमेट देने लायक नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जाकर देखिए आप हाँ, एस्टिमेट देने लायक हो तो लीजिए, देने लायक नहीं है बताइए। वो अपने से आई हाँ, बताई कि मेरा भाई हत्यारा है हाँ, अब उसके साथ प्रेम कहानी है कि क्या कहानी है। अनुष्का को आप लोग रखेंगे या फिर विदा करेंगे इस पर? नो कमेंट, वो तो हम जान नहीं रहे हैं क्या अभी। तो हम चाचा है बता रहे, चाचा है परदारी का चाचा है हाँ। तो स्पेशल तो हम उसका गार्जियन नहीं ना, स्पेशल हम गार्जियन उनका रहते हैं। तब ना इस मुद्दा पे हम आपको बात करते हैं। बात क्यों बोलेंगे? अब उस तो इस प्रशासन के कौन रखवाया था? प्रशासन रखवाया था यहाँ पर उस लड़की को। लड़की तो खुद भाग के यहाँ पे आई थी। तो प्रशासन जिसको इस घर में जिसका बेटा मर जाए क्या वो रखना चाहेगा? जिसका बेटा जिसके चलते मर जाए हाँ, वो रखना चाहेगा थोड़ा? आप लोग अपना भी सवाल कमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार इस लड़की को क्यों रखा गया है? वो प्रशासन रखवाया, ये भी कह रहा है कि पुलिस आकर के रखवाया उसको हाँ? वहाँ से भाग कर आया नू? जी जी जी, वहाँ से जो लास्ट जंग वो अपने घोड़े से वहाँ पुलिस था, उसके बाद में पुलिस को फोन दिया गया, यहाँ से फोन गया था, वो बतुआ कर यहाँ सब पुलिस लोग चले आए, मन के सरिया आई साहेबगंज थाना दोनों आ गया यहाँ। अच्छा, अब उसके बाद में का पूछा ना पूछा से भाई, हमको ना मालूम है। हाँ हाँ, चाचा है हाँ, तो हमको ना मालूम है, हमसे पूछा।